हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेशन के बारे में। सो दिस लेक्चर विल बी गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इन आस्पेक्ट्स ऑफ योर जीपैट एग्जाम, नाइपर एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है और कहाँ से आए हैं क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं व्हाट इज टैबलेट and what are the advantages, their disadvantages and types of tablet. ठीक है ना, अब इसमें बात कर रहे हैं हम टैबलेट डिजाइन की एंड फॉर्मुलेशन की। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टैबलेट डिजाइन और फॉर्मुलेशन? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीवर करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्रॉपर फॉर्म। सो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, मीन्स बात करने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। हम इंग्रेडिएंट्स को बोलते हैं एक्सिपिएंट्स, मींस दे आर दी नॉन ड्रग कंपोनेंट्स। नॉन ड्रग कंपोनेंट्स से स्टूडेंट्स आप क्या समझते हैं? दैट अपार्ट फ्रॉम एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो हम इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स यूज करने वाले हैं टैबलेट बनाने के लिए, वो आएंगे टैबलेट एक्सिपिएंट्स में। ठीक है, सो हम क्या क्या यूज करते हैं? डाइल्यूएंट यूज करते हैं, बाइंडर एंड एडेसिव यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेंट करते हैं एंड स्वीटनिंग एजेंट करते हैं। सो चलिए अब थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिपिएंट्स के फंक्शंस के बारे में कि एक्चुअली एक्सिपिएंट के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, और फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअली एक एक एक्सिपिएंट्स के विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और गए भी हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे थे एक्सिपिएंट्स के फंक्शंस की। दैट फर्स्ट वन इज योर दैट इम्पार्ट वेट, एक्यूरेसी एंड वॉल्यूम एंड इट अलाउ एक्यूरेसी ऑफ डोज। ओके, दिस इज योर द फर्स्ट फंक्शन। इंप्रूव सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी, एनहेंस बायोअवेलेबिलिटी, modifying drug release and assist product identification, increase patient acceptability and facilitate dosage form design. Facilitate का means to make easier, उस चीज को आसान बना देना। सो स्टूडेंट्स, ये थे फंक्शंस एक्सिपिएंट्स के कि एक्सिपिएंट्स के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं अब डाइल्यूएंट के बारे में। डाइल्यूएंट्स होते क्या है, क्या इनका रोल होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और डाइल्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सो डाइल्यूएंट्स होते क्या है? दैट डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स यूज्ड टू मेक रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट व्हेन द ड्रग डोसेज इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट टू प्रोड्यूस द बल्क। मीन्स डाइल्यूएंट एक तरह के फिलर्स होते हैं। जब हम इनको कब यूज करते हैं? जब एक पर्टिकुलर ड्रग की डोसेज वो कम होती है एक टैबलेट बनाने के लिए, तो हम उसमें डाइल्यूएंट ऐड करके एक प्रॉपर टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी ऑलरेडी डोज हाई रहती है, तो हम उनमें कोई डाइल्यूएंट, कोई फिलर यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी होती है? एस्प्रिन होती है, हम एस्प्रिन को डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं विदाउट एनी डाइल्यूएंट, हम इसमें डाइल्यूएंट नहीं यूज करते। और काफी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जिनको हम डाइल्यूएंट नहीं ऐड करते जिनमें। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कुछ डाइल्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। डाइल्यूएंट्स आपके टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, डू नॉट ऑल्टर दी बायोअवेलेबिलिटी मींस ड्रग पर कुछ इफेक्ट नहीं डालना चाहिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर, कलर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, कॉमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, इजिली मिल जाना चाहिए, कॉस्ट शुड बी लो एंड फिजिकली एंड केमिकली शुड बी स्टेबल। ये होती है डाइल्यूएंट्स की प्रॉपर्टी। नाउ बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो डाइल्यूएंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मेलार्ड रिएक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नाउ मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है? मेलार्ड रिएक्शन इट इज अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन ऑन द इंटरेक्शन ऑफ अमीन ड्रग्स एंड योर डाइल्यूएंट लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टेरेट, दैट इज योर मैग्नीशियम स्टेरेट। एक केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है आपकी अमीन ड्रग्स और लैक्टोज के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टेट ल्यूब्रिकेंट, जिसकी वजह से देयर इज अ डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट, ये हो जाता है, दैट इज योर ब्राउनिंग कलरेशन ऑफ टैबलेट और डिस्कलरेशन हो जाता है। सो अब इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस लैक्टोज। एनहाइड्रस लैक्टोज यूज करने पर हमें मेलार्ड रिएक्शन नहीं मिलता है, सो देयर इज नो डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आपसे अगर कभी क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज मेलार्ड रिएक्शन, आप मेलार्ड रिएक्शन बता सकते हैं। और मेलार्ड रिएक्शन किसकी वजह से होता है? इंटरेक्शन की वजह से होता है बिटवीन अमीन ड्रग्स एंड योर लैक्टोज। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम एनहाइड्रस लैक्टोज यूज करते हैं। यस, सो नाउ लैक्टोज के बारे में देख लेते हैं। लैक्टोज हमने ऑलरेडी देखा है थोड़ा सा, दैट इट इज वेरी लो कॉस्ट, समवेयर इट इज हैविंग द एडवांटेज। लो कॉस्ट डाइल्यूएंट है बट इट मे डिस्कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन ड्रग्स, अभी जैसे बात की हमने मेलार्ड रिएक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट में स्प्रे ड्राइड लैक्टोज आता है। सो व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज? डायरेक्ट कंप्रेशन प्रॉपर्टी है एंड गुड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। बट एक डिसएडवांटेज है दैट इट गेट डार्क इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड अमीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये डार्क हो जाता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरफियरल्डिहाइड। ठीक है। नाउ अब इसको अवॉइड करने के लिए जब हम स्प्रे ड्राइड लैक्टोज यूज करते हैं तब हमें यूज करना होता है न्यूट्रल और एसिड ल्यूब्रिकेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर स्टार्च RX 1500। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ इसमें क्या होता है? इट इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, फ्री फ्लोइंग। ये हम डाइल्यूएंट्स की तरह भी यूज करते हैं, बाइंडर की तरह भी यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग कंप्रेस्ड अलोन व्हेन कंबाइंड विद 5 to 10% ड्रग रिक्वायर्स एडिशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट एंड फ्लो प्रमोटर। जब इसको कंबाइन किया जाता है ड्रग के साथ तब हमें यूज करना पड़ता है ल्यूब्रिकेंट प्लस फ्लो प्रमोटर, जिससे कि फ्लो प्रमोट हो सके। कितने परसेंट? 0.25%। दैट इज योर कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोलाइज स्टार्च। हाइड्रोलाइज स्टार्च का ये आपका ट्रेड नेम होता है एमडेक्स एंड सेल्यूटैब। दिस इज योर दी ट्रेड नेम। व्हाट इट्स प्रॉपर्टी? डायरेक्टली कंप्रेसिबल, 90 to 92% डेक्सट्रोज एंड 3 to 5% माल्टोज बोलते हैं। मे बी यूज इन च्यूएबल टैबलेट इन प्लेस ऑफ मैनिटोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रेड नेम ऑफ दीज डाइल्यूएंट्स बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑल्सो। नाउ डेक्सट्रोज की बात करें, डेक्सट्रोज का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है सेरिलोज। It is for hydrous and anhydrous substances. Next चलते हैं mannitol. Mannitol widely used in chewable tablet. Question आ सकता है, पूछा जाता है कि mannitol हम किस में यूज करते हैं, किस टाइप की टैबलेट में यूज करते हैं? वो हम chewable टैबलेट में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि it gives a pleasant feeling in mouth and can also be used in vitamin formulation. Okay. Now, next is your sorbitol. Sorbitol में बात करते हैं। It is a optical isomer of mannitol, hygroscopic at humidities about 65%, low cationic content, and they are known carcinogenic. It is very important. Now, these are the sugar-based diluents, means based on the sucrose. Trade name की बात कर लेते हैं। First one is your Sugartab, second is your Nu-Tab and Dipac. याद रखिएगा, ट्रेड नेम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा हूं इस चीज पर क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है आपका कि मेनली द ट्रेड नेम ऑफ द शुगर बेस्ड डाइल्यूएंट्स और वेरियस ट्रेड नेम्स पूछ लिए जाते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज योर Sugartab. Sugartab is a mixture of 90 to 93% of sucrose plus 7 to 10% inward sugar. Dipac 97% sucrose plus 3% dextrose modified. Nu-Tab is 95% sucrose plus 4% inward sugar with small amount of cornstarch and magnesium stearate. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? शुगर टैब का कंपोजिशन बताइए, उसमें कितना परसेंट सुक्रोस होता है और कितना परसेंट इनवर्ट शुगर होता है, तो आप क्या बोलेंगे 90 to 93% सुक्रोस प्लस 7 to 10% इनवर्ट शुगर. ओके, नाउ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी एज अ डाइल्यूएंट यूज कर सकते हैं. ट्रेड नेम की बात कर लें, ट्रेड नेम इट इज अवेलेबल इन द ट्रेड नेम ऑफ एविसेल, एरिसेल एंड इमोसेल, एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेंट एजेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाता है. 2 tablet grade exist, that is first one is your pH 101 for powders and pH 102 for granules. ठीक है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. सो यहां पर हमने बात किया डाइल्यूएंट्स का. अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम एक कॉमन टेबल जिसमें हमने कुछ डाइल्यूएंट्स लिए हैं और उनके ट्रेड नेम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है. दैट्स व्हाई वी जस्ट कंसाइज द डाइल्यूएंट फॉर्म. फर्स्ट वन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को हमने देखा, एविसेल, एरिसेल एंड इमोसेल, 3 प्रोप्राइटरी नेम और ट्रेड नेम होते हैं. स्टार्च RX 1500, सुक्रोज, डाइपैक, सुगर टैब, Nu-Tab. एनहाइड्रस लैक्टोज को हम डायरेक्ट कंप्रेसिबल लैक्टोज भी बोलते हैं. स्प्रे ड्राइड लैक्टोज को फास्ट फ्लो, जेप्रोक्स. जेप्रोस एक इस पर ट्रेडमार्क है, दिस इज दी ट्रेडमार्क. ओके, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च डेक्सट्रेट, दैट इज योर सेल्यूटैब, एमडेक्स. CAHPO4 को एमकम्पैसिस बोलते हैं, माइक्रोफाइन सेलुलोज को अल्कीमा. सो ये हुए आपके डाइल्यूएंट्स विद देयर ट्रेड नेम. याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. नाउ नेक्स्ट चलते हैं बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स के बारे में पढ़ने. व्हाट आर द बाइंडर्स? दैट दीज मटेरियल्स आर एडेड ईदर इन ड्राई और इन वेट फॉर्म टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स और टू फॉर्म कोहेसिव कॉम्पैक्ट्स फॉर डायरेक्टली कंप्रेस्ड टैबलेट. मींस बाइंडर्स हम किस में यूज करते हैं? टू मेक ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए और एक कोहेसिव कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, जो कि हम बाद में यूज करते हैं डायरेक्टली कंप्रेस्ड टैबलेट बनाने के लिए. एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, बाइंडर्स एंड देयर ट्रेड नेम. एक बाइंडर्स में एक बात याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, दैट देयर आर 2 गम्स यूज्ड एज अ बाइंडर. कौन कौन सा? अकेशिया एंड ट्रैगागंत. ये बाइंडर्स की तरह यूज होती हैं. ठीक है, या तो हम इनको एज एन सिंगल यूज कर सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं. बट व्हाट देयर डिसएडवांटेजेस इज दैट दे एक्चुअली देयर इज अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन दीज गम्स. सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जिलेटिन के साथ अकेशिया यूज करते हैं, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए. ठीक है, अकेशिया, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इन कंपैरिजन टू यूजिंग 2 गम्स इन कॉम्बिनेशन. नाउ बाइंडर्स की बात कर रहे थे, ट्रेड नेम की. कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज हम निमसेल बोलते हैं, सेलुलोज माइक्रोक्रिस्टलाइन, एविसेल, इमोसेल, वाइवासेल. इथाइल सेलुलोज को एक्वाकोट बोलते हैं, HPMC को मिथोसेल, फार्माकोट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, फार्मासोर्ब, वीगम बोलते हैं. मिथाइल सेलुलोज को सेलाकोल एंड मिथोसेल, पॉलीडेक्सट्रोज, लिटेस. ओके, ये हुआ बाइंडर्स. नाउ अब चलते हैं डिसइंटीग्रेंट्स पर. डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं और सुपर डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिसइंटीग्रेंट्स टू मेक और ब्रेक द टैबलेट व्हेन इट जस्ट कॉन्टेक्ट इन वाटर इन द GIT. मीन्स पार्ट्स में टूट जाना. दिस इज योर टैबलेट व्हेन इट जस्ट कॉन्टेक्ट इन योर GIT. सपोज दिस इज इन GIT, सो इट जस्ट ब्रेक्स इन द स्मॉल फ्रेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, तोड़ देता है। सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? सुपर डिसइंटीग्रेंट रिड्यूस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम इन कंपैरिजन टू डिसइंटीग्रेंट, वो और ज्यादा टाइम घटा देता है टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन का। मींस स्वेल्स अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकेंड्स वन कॉन्टेक्ट टू वाटर। मीन स्वेल हो जाती है टैबलेट और डिसइंटीग्रेट आ जाती है विद इन जस्ट 30 सेकेंड विद द हेल्प ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से डिसइंटीग्रेंट है। हमने रेड कलर से जो ये मार्क किया है, दीज आर कॉल्ड सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रेड नेम पूछ लिया जाता है। एम्बरलाइट, एक्सप्लोटैब एंड प्रीमोजेल, कोलोइडन सीएल, पॉलीप्लास्टोन एक्सेल एंड एग्डीसोल, क्रॉस कार्मिलोज को हम एग्डीसोल बोलते हैं। सोल्यूटैब बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट, तो आप याद रखेंगे। दीज आर दी नॉर्मल डिसइंटीग्रेंट। सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन, एविसेल बोलते हैं, इमोसेल, वाइवासेल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, वीगम, मिथाइल सेलुलोज का ट्रेड नेम सेलाकोल एंड मेथोसेल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, दैट इज योर एमपीको। नाउ बात करने जा रहे हैं ल्यूब्रिकेंट्स की। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ल्यूब्रिकेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एडहेशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाइज। अब इसको याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट। सो इसको जस्ट ऐसे याद कर सकते हैं हम LTD के नाम से। L फॉर ल्यूब्रिकेंट एंड T फॉर टैबलेट मटेरियल एंड D फॉर डाई। मीन्स इट इज रिलेटेड टू टैबलेट मटेरियल एंड डाई and punches, okay, and reduce what its function, reduce interparticle friction and may improve the rate of flow of the tablet granulation. ये इसका mainly function है। Example की बात कर लेते हैं lubricants and their trade name glycerol, palmitoystrate, pre-cerol बोलते हैं, hydrogenated vegetable oil, lubritab and Stearotex, PEG 4000 and 6000, Macrogols and Carbovex, sodium lauryl sulfate, Empicol and Stearovit. Some more examples are there. That is your stearic acid salt, magnesium stearate, talc, PEG and surfactants are used as lubricant. Now, चलते हैं ग्लाइडेंट के। ग्लाइडेंट्स आपका क्या करते हैं? ग्लाइडेंट्स प्रमोट करते हैं फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स और पाउडर प्रमोट करते हैं। मींस देयर इज इफ समवन जस्ट लाइक एन एग्जांपल, दिस इज योर होपर एंड हियर देयर इज योर द ड्रग इज फिलिंग। सो हम इसमें ग्लाइडेंट ऐड करेंगे जिससे कि फ्लो प्रमोट हो सके, ब्लॉक ना हो। नाउ सेलुलोज, एल्कीमा, सोल्का एंड फ्लोक बोलते हैं ट्रेड नेम पे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज योर कोलोइडल, एरोसिल, कैबोसिल, साइलॉइड, ये हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट वन। नाउ कंसंट्रेशन पूछा जाता है कितना कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। सिलिका डेरिवेटिव हम 0.25 to 3% कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, टॉल्क 5% कंसंट्रेशन एंड कॉर्न स्टार्च 5 to 10%। सो अब ग्लाइडेंट को आप कैसे याद रखेंगे? ग्लाइडेंट आपका किस किस के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सो इसको ऐसे याद रख सकते हैं GTP, G फॉर ग्लाइडेंट एंड P फॉर पार्टिकल्स, जस्ट टू मेक यू मेमोराइज, इट इज वेरी इजी। सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नाउ बात करते हैं कलरिंग एजेंट की। द यूज ऑफ कलर्स एंड डाइज इन अ टैबलेट हैज 3 पर्पस। कौन कौन से हैं? मास्किंग ऑफ कलर्स of drugs, product identification and product of more elegant products. means कलर जो ड्रग का कलर है उसको छुपाने के लिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ मोर एलिगेंट प्रोडक्ट्स। ओके, जो कलरिंग एजेंट यूज करते हैं दे आर जस्ट अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA। 2 forms ऑफ कलर्स आर यूज, कौन कौन से? FD and C and D, ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज यूज करते हैं, ठीक है। These dyes are applied as solution in the granulating agent or lake form of these dyes. Now the last one is your the flavoring agent and the स्वीटनिंग एजेंट। फर्स्ट फ्लेवरिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। फॉर च्यूएबल टैबलेट फ्लेवर ऑयल आर यूज्ड। स्वीटनिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वन। फॉर च्यूएबल टैबलेट हम यूज करते हैं मैनिटोल। मैनिटोल इज योर 72% एज स्वीट एज सुक्रोज। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सैक्रीन, सैक्रीन इज योर आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनिंग एजेंट विच इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। डिसएडवांटेज क्या है सैक्रीन का? दैट इट जस्ट बिटर आफ्टर टेस्ट एंड कार्सिनोजेनिक, इट इज कार्सिनोजेनिक। एस्पार्टिम की बात करें, पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन। व्हाट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये याद रखिएगा, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, स्टेबिलिटी खो देता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। So I hope students you just like this lecture. So we are coming with next part of the tablet. So stay connected and thanks for watching.